नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बारे में। मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर और पवित्र स्थान शिवपुरी को पहले शिवपुरी के नाम से जाना जाता था और इस जगह का इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ है। शिवपुरी के घने जंगल एक समय में शाही शिकार के मैदान थे। दोस्तों, समुद्र तल से 478 मीटर की ऊँचाई पर स्थित यह शहर सभी विदेशी आकर्षणों में से एक है, जो पर्यटकों के लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण गंतव्य बनता है। और पौराणिक कथा के अनुसार इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों, शिवपुरी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा बड़ा जिला है। यह जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों, शिवपुरी जिले में 8 तहसील है। शिवपुरी, कोलारस, नरवर, बदरवास, बैराड, करेरा, कनियातान और पिछोर। शिवपुरी जिलों के उत्तर में मुरैना, ग्वालियर और दतिया जिलों के साथ, पूर्व में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के साथ, पश्चिम में राजस्थान के साथ तथा दक्षिण में गुना और अशोकनगर जिला है। यह सब जिले शिवपुरी जिले की सीमा बनाते हैं। दोस्तों, शिवपुरी जिले से प्रमुख नदियाँ बहती है, पार्वती नदी, सिंध नदी, कुंडो नदी और बेतवा नदी। और यह जिले में आरक्षित वन क्षेत्र 3,000 वर्ग किलोमीटर में है। दोस्तों, शिवपुरी जिले में अधिकतर शहरिया जनजाति निवास करती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह जिले में सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला और पीरबुतान का मेला लगता है। दोस्तों, शिवपुरी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान 1998 में बनवाया गया था। नटवर का किला, यह काली सिंह नदी के पूर्व में एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 500 फीट है और 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और रानीघाट, यह एक ऐतिहासिक स्थल है और इसे राजा नल का जन्मस्थान माना जाता है। दोस्तों, शिवपुरी जिले में और भी पर्यटन स्थल है, जैसे बाणगंगा धाम, चिंताहरण मंदिर, शिव मंदिर, जानकी मंदिर, संख्या सागर, यह सब पर्यटन स्थल है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।